इंडियन मार्केट में प्रीमियम हैचबैक बहुत सारी आ चुकी हैं, जिस वजह से जो बायर्स है ना उनको हो जाती है कंफ्यूजन कि भाई कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी ना ले। प्रीमियम हैचबैक जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती भी है मगर प्रीमियम होने की वजह से बहुत ज्यादा महंगी भी है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेकर आया हूँ जिसकी जो प्राइस है ना वो कम है मगर वो है एक प्रीमियम हैचबैक और जिसके टॉप सेलिंग जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना नेक्सा का बलेनो का, उससे इसमें 3 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और हम बात कर रहे हैं टोयोटा की ग्लांजा की। तो भाई सामने जो प्रोडक्ट ग्लांजा देख रहे हो ना ये इसका एक बेस वेरिएंट है, इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं, ये ई वेरिएंट है। ट्रांसमिशन की बात करें तो भाई इसके अंदर आपको 2 ट्रांसमिशन देखने के लिए भी मिल जाएंगे, एक मिल जाता है ऑटोमेटिक, दूसरा मिल जाएगा मैनुअल, ये एक मैनुअल वेरिएंट है। सामने बात तो कलर की तो भाई इसमें आप व्हाइट कलर देख रहे हो, इसके अंदर ना आपको 5 कलर और भी देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बेस वेरिएंट है तो सिर्फ व्हाइट ही मिलेगा, बाकी और भी कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं इसके अंदर। सामने से देखोगे ना तो भाई बलेनो में और ग्लांजा में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना सामने से आपको देखने के लिए मिल जाता है, किसी को बलेनो के लुक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं मगर पर्सनल स्पीकिंग ग्लांजा के लुक्स भी ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। जैसे सामने से देखोगे ना तो इसमें आपको टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलने वाला है और जो क्रोम की लाइन है ना ये वाली, ये इसमें आती है OEM, एक कंपनी फिटेड है। जो नीचे पर देख रहे हो ना ये वाली लाइन, ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है। जो भी ऊपर की ग्रिल, जो नीचे की ग्रिल है ना यहाँ पर भी आपको जो टचेस मिल रहे हैं ना ये ब्लैक वाले कार्बन फाइबर में, ये आपको देखने के लिए मिलता है नीचे वाली ग्रिल में। मगर जो नीचे वाली जो क्रोम है ये वाली, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में जो लगी हुई है ना ग्रिल या जो क्रोम लगा हुआ है ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, ये इसमें आता ही आता है। इसके अंदर आपको फॉग लैम्प जो देखने के लिए नहीं मिलता है, ना ही मिल जाते हैं आगे वाले पार्किंग सेंसर्स, मगर हाँ आगे आपको राइट हैंड साइड में टोइंग हुक देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हेडलाइट की, तो भाई हेडलाइट इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप में देखने के लिए मिलने वाली है बेस वेरिएंट में भी, तो मतलब ये बाईफोकल है, हाई बीम लो बीम दोनों के लिए यही करती है और ये हैलोजन बेस में है। यहाँ देखोगे तो भाई इसमें इंडिकेटर मिल जाएगा हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस में और यहाँ पर पार्किंग की भी छोटी जो लाइट होती है वो भी आपको मिल जाती है रिफ्लेक्टर बेस में ही। और यहाँ देखोगे तो भाई इसमें ना आपको DRL नहीं मिलते मगर यहाँ पे आपको क्रोम की जो लाइनिंग है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वेट की बात करो तो भाई 1745 mm इसकी वेट है। बोनट पे आपको क्रीजेस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाती है। प्रीमियम लुक जो है आगे इसमें आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था इसमें 3 चीज़ें जो है ना वो बलेनो से आपको डिफरेंट मिलती है। पहला हो गया इसके लुक्स जो सामने से आपको बलेनो से अलग देखने के लिए मिलने वाले हैं। गाड़ी के लेफ्ट प्रोफाइल में बात कर सबसे पहले इसकी जो लेंथ है ना वो आपको 4 मीटर से कम मिलती है, यानी कि 3990 mm की। जो हाइट है वो है 1500 mm की। जो व्हील बेस है ना आपको 2520 mm का मिलता है और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है 170 mm का। आगे बात कर लेते हैं हम टायर की, तो भाई टायर में ना इसमें आपको बेस वेरिएंट में भी आपको व्हील कवर जो है वो मिलते हैं, प्लस जो ब्लैक रिम है ना वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे वेरिएंट ऐसे भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो प्रीमियम हैचबैक में बेस वेरिएंट में आपको सिल्वर वाले रिम देती हैं, वो ब्लैक या व्हील कवर नहीं देते हैं। टायर की बात करो तो भाई इसमें अपोलो का ना आपको इसमें टायर देखने के लिए मिलता है। टायर प्रोफाइल 185/65R15। आगे मिल जाएंगे डिस्क, पीछे मिल जाएंगे इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स। फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है इसके अंदर जो कि बेस वेरिएंट है। जो ORV है वो आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं ब्लैक कलर के। जो डोर हैंडल है ना भाई इसमें आपको क्रोम की जो फिनिशिंग देख रहे हो ये एक एक्सेसरीज में है। जो इसमें आते हैं ना वो आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं जैसे ORVM है, वैसे ही आपको डोर हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा। जो बी पिलर है वो भी आपको बॉडी कलर में देखने के लिए मिलता है। जो ऊपर से रेन वाइजर लगा हुआ है वो भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। नीचे आपको दिखा देता हूँ, जो नीचे ले देख रहे हो ना ये भी एक जो है इसमें कंपनी फिटेड ही है, ये एक्सेसरी नहीं है। एक ब्लैक कलर की जो लाइन है ना वो आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करो तो भाई 37 लीटर की इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। E20 ये सपोर्ट करती है और इसकी एवरेज जो है ना वो आपको कंपनी क्लेम करती है 22 की, मगर आप 19 की या 20 की आराम से निकाल सकते हो उसके एवरेज। पीछे की प्रोफाइल की बात करें तो भाई पीछे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्लांजा की बैजिंग है क्रोम में देखने के लिए मिल जाती है। टोयोटा का हमें मिल जाएगा बीच में लोगो। ई कलर जो उसका जो वेरिएंट है ना उसकी बैजिंग भी आपको राइट हैंड साइड में देखने के लिए मिल जाएगी। ऊपर इसमें वाइपर नहीं आता, वॉशर नहीं आता, मगर हाँ बेस वेरिएंट में आपको डीफॉगर जरूर मिल जाता है। प्लस ऊपर मिल जाएगा इसमें आपको रियर माउंट स्टॉप लैम्प। जो एंटीना है ना वो इसमें आपको मिल जाएगा मगर अभी जो लगा नहीं रखा, मगर हाँ जो एंटीना जो नॉर्मल वाला था शार्क फिन वाला नहीं जो बेसिक वाला एंटीना होता है वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे बात करें लाइट की तो भाई पीछे इसमें आपको LED लाइट मिल जाती है जो रेड वाली है पीछे में। जो इंडिकेटर और जो बैक की लाइट है ना वो आपको हैलोजन सेटअप में ही मिलेगी। नीचे मिल जाएंगे इसके 2 रिफ्लेक्टर, 4 पार्किंग सेंसर जो है इसमें आपको पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे मिल जाएगा इसमें इसका टोइंग हुक और जो एग्जॉस्ट है ना वो भी यहाँ पर दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या मिलने वाला है भाई बूट में, तो एक बार उसका बूट खोल लेते हैं।
बूट खोलने के लिए सबसे पहले तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ना आपको एक मैग्नेटिक बूट देखने के लिए मिल जाएगा। 318 लीटर का इसमें आपको मिल जाता है बूट स्पेस। ऊपर जो पार्सल ट्रे है वो इसमें नहीं आती है। 60-40 स्प्लिट में इसमें आपको बैक वाली जो सीट है वो देखने के लिए मिलती है। एक बार ना इसका टायर भी देख लेते हैं कि स्टेपनी वाला टायर कौन सा मिलता है। भाई स्टेपनी वाला टायर भी आपको मिल जाएगा 185/65 R15, यानी कि कोई भी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर नहीं कर रखी है। जो स्टेपनी वाला टायर ज़्यादातर कंपनियाँ जो है एक साइज़ छोटा दे देती हैं, मगर इसके अंदर आपको स्टेपनी वाला टायर भी सेम साइज़ का ही मिलता है। ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पर ना आपको मिल जाएगा उस प्लास्टिक का कवर, और यहाँ पर एक हैंडल भी है जिससे आप अपने बूट को बंद कर सकते हैं। दरवाजे की बात करो तो भाई दरवाजा बेस मॉडल में भी ना आपको ड्यूल टोन में मिल रहा है। ब्लैक और बेज का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसका एक दूसरा डिफरेंस है। बलेनो के अंदर आपको बेज में नहीं मिलता है, उसके अंदर आपको ब्लू कलर मिलता है। पर्सनली जो बेज कलर है ना उससे थोड़ा इंटीरियर ज्यादा बेटर भी लगता है। यहाँ देखोगे तो ये सॉफ्ट टच है, ये भी आपको एक सॉफ्ट टच मिलेगा, मगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्ड टच देखने के लिए मिल जाएगा। ब्लैक कलर के लीवर है लॉक अनलॉक करने के लिए, वो भी आपको ब्लैक में मिलेगा। स्पीकर की हाउसिंग ले रखी है, स्पीकर इसमें नहीं आता है। 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, थोड़ा सा स्पेस और भी है। पावर विंडो के बटन है, मगर जो ये देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, इसमें आपको फिनिशिंग दे रखी है, एक्सेसरी का पार्ट है ये, इसमें ऐसा नहीं आता है। बात करेंगे सीट की ना, तो भाई सीट इसमें आपको ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिलने वाली है। जो तीनों पैसेंजर के लिए आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड हेडरेस्ट। जो बीच वाला पैसेंजर है उसके लिए हेडरेस्ट थोड़ा छोटा है, मगर तीनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो बीच वाला ट्रेस में है यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट नहीं मिलता है, मगर हाँ तीनों पैसेंजर के लिए लैप वाली सीट बेल्ट नहीं है। बीच वाला पैसेंजर के लिए फुली सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आइसोफिक्स स्टाइल सीट जो है वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके माउंटिंग यहाँ पर भी दे रखे हैं। अंदर के इंटीरियर की बात करूँ ना, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एसी वेंट नहीं मिलता है, मगर हाँ थोड़ा बहुत आपको स्पेस दे रखा है, अपना सामान वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। प्लस 12 वोल्ट का एक सॉकेट का चार्जर मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से थोड़ा सामान है रखने का स्पेस तो इसमें काफ़ी बढ़िया है, मगर पीछे आपको वेंट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ पीछे वाले हम की, तो भाई पीछे वाला जो हम है ना वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। मेरा पैर ऐसे सीधा है तो इतना टेढ़ा हो जाएगा। जो पीछे वाला पैसेंजर है जो पीछे बैठेगा ना बीच में, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी इससे आ सकती है। बात करें लेग रूम की, तो भाई नी रूम, लेग रूम और जो थाई सपोर्ट है ना वो भी आपको काफ़ी ठीक ठाक देखने के लिए मिलने वाला है इसके अंदर। जो रेक्लाइन एंगल है वो भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा ठीक है। जो स्कूप डाउन सीट आपको देख रहे हो ना, इस वजह से इसके अंदर आपको स्पेस जो है ना काफ़ी मिल जाता है। बेल्ट की बात करें तो भी बेल्ट आपको एडजस्टेबल वाली इसके अंदर नहीं मिलती है, मगर जो हेडरूम है ना वो भी आपको काफ़ी डिसेंट देखने के लिए इसमें मिल जाएगा प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से। ड्राइविंग सीट में एंटर करने से पहले इसमें चाबी दिखा देता हूँ। लॉक अनलॉक मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा टोयोटा का लोगो, और दोनों ही चाबी आपको ऐसे देखने के लिए मिलती है। बेस मॉडल में भी आपको सेंट्रल लॉकिंग के जो फीचर होते हैं ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दरवाज़ा खुल गया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाई जैसे मैंने बताया था ड्यूल टोन में इसका मिल जाता है आपको उसका इंटीरियर। जो बेज है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बेज हो गया, ब्लैक जो है सॉफ्ट टच में है, ये मिल जाएगा थोड़ा हार्ड टच। पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ से, 1 touch down 1 touch up जो है ड्राइवर्स के लिए मिलता है, बाकियों के लिए नहीं मिलता है वाला फीचर। लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हो, पावर विंडो को जो है यहाँ से आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा स्पीकर की हाउसिंग, 1 लीटर की बॉटल, स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है आगे वाली सीट में एज कम्पेयर टू द पीछे वाली सीट। अंदर देखेंगे तो भाई यहाँ पर मिल जाएगा डेड पेडल, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर। बोनट खोलने के लिए जो फ्यूल लीटर यहाँ से खोल सकते हो। ऊपर देखोगे तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑफ करने के लिए हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे बेज जो टच है ना वो उसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर फिर से जैसे ब्लैक में पियानो ब्लैक में दे रखा है ना ऊपर वाला, वैसे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, मगर इसमें एक्सेसरीज लगाने की वजह से ये थोड़ा अलग दिख रहा है, मगर हाँ ये भी बढ़िया लग रहा है। अगर मैं बात करूँ सीट की, तो भाई सीट इसमें आपको मैनुअल एडजस्टेबल वाली मिलती है। इसको आप यहाँ से रिक्लाइन जो है आगे पीछे कर सकते हैं, मगर इसमें लैप सपोर्ट वाली जो हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट होती है वो इसमें नहीं मिलने वाली है आपको। अंदर इसमें और क्या मिल जाएगा भाई, सबसे पहले तो बेस मॉडल है तो अंदर इसमें म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है। एसी के वेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, पियानो ब्लैक के जो टचेस है ना वो इसमें ऑल अराउंड जाते हुए दिख जाता है। जो बेज और ब्लैक के फिनिशिंग आ रही है ना, सच्ची बता रहा हूँ ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को तो। इसमें हैजार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा इसके अंदर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही। 12 वोल्ट सॉकेट का चार्जर यहाँ दे रखा है, ऑक्स या यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है इसमें। यहाँ मिल जाएगा स्पेस अपना सामान रखने के लिए, ट्विन कप होल्डर्स, ब्लैक कलर में 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, फिर से ये एक एक्सेसरीज में चेंज करवा रखा है, वरना इसमें पियानो ब्लैक के टचेज में ये वाला आपको देखने के लिए मिलता है। हैंड ब्रेक जो है वो भी आपको पूरा ब्लैक में देखने के लिए मिलने वाला है, और पीछे यहाँ पर थोड़ा बहुत और सामान का स्पेस भी दे रखा है। बात कर लेते हैं ग्लव बॉक्स की, तो भाई ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि छोटा ग्लव बॉक्स है। और ये जो IRVM है ये आपको डिग्नाइट वाला मिलता है, मगर ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है। प्लस जो सनब्लाइंड है यहाँ पे, इसमें आपको मिरर या जो लाइट होती है वो देखने के लिए नहीं मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लेते हैं, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, मगर हाँ जो ये एड्रेस है ना ये देखो,
ये सॉफ्ट वाले देखने के लिए मिलने वाले हैं आपको तीनों ही। बात करें स्टेयरिंग की ना, तो भाई स्टेयरिंग एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ मतलब ये आपको टेलीस्कोपिक वाले फीचर नहीं मिलते, इसके अंदर टिल्ट वाले फीचर आपके साथ मिल जाएगा। टोयोटा का लोगो है इसमें, कोई बटन वगैरह इसमें आपको नहीं मिलते हैं, मगर हाँ एयर बैग की जो बैजिंग है वो इसमें मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाते हैं इसमें आपको इसके वाइपर के कंट्रोल जो मैनुअल में है, ऑटोमेटिक नहीं आते। राइट हैंड साइड में मिल जाएगा इसके हेडलाइट के कंट्रोल, वो भी मैनुअल में है। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करोगे तो भाई इसमें आपको ना सबसे पहले लेफ्ट में मिल जाएगा इसका टाकोमीटर, राइट में स्पीडोमीटर दे रखा है, बीच में ना इसकी जो फ्यूल के बार है यहाँ पर मिल जाएंगे, एवरेज दिखाता रहेगा यहाँ पे, टाइम, टेम्परेचर, और अगर आपका फ्यूल जो खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक लाइट भी जलने लग जाती है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, रेंज किलोमीटर पर लीटर, अच्छा ट्रिप ए ट्रिप भी कहाँ से आएगा वो भी देख लेते हैं एक बार लेफ्ट में दबा के। तो यहाँ मिल जाएगा ट्रिप ए, ट्रिप बी और जो ओडोमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस मीटर में मिल जाती है। अभी आप देखोगे तो हमने इसका बोनट जो है खोल लिया है, ऊपर से ब्लैक कलर के जो इंसुलेशन के लिए कपड़ा जो है वो लगा रखा है। इंजन की बात करें तो भाई 1.2 लीटर का यानी 1197 सीसी का इसमें आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है। जो पावर की बात करें तो 88.5 bhp की पावर 6600 rpm पे और मिल जाती है इसमें आपको, और 113 Nm का टॉर्क 4400 rpm पे आसपास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फ्लूड्स वगैरह जो यहाँ पर मिल जाएंगे, जो बैटरी है उसको यहाँ पे पोजीशन कर रखी है, और जो इंजन की हाउसिंग है ना, इंजन की जो प्लेसमेंट कर रखी है, ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें अगर आप कंपनी चाहे तो और बड़ा इंजन भी इसमें लगा सकती है अगर वो चाहे तो। प्राइसिंग की बात करो तो जो टोयोटा ग्लांसर का बेस वेरिएंट की बात हम कर रहे थे ना, ये पड़ता है आपको 6,81,000 रुपीज एक्स शोरूम का, प्लस इसमें जो एक्सेसरीज हैं वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत जो मैंने आपको लगी हुई थी इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी थी कि भाई ये एक्सेसरीज है और ये नहीं। बात करें तो भाई ओवरऑल कंक्लूजन की, तो भाई कंक्लूजन इसका ये आता है, प्रीमियम हैचबैक जो आपको मिल जाती है 7 लाख से कम एक शोरूम में, आपने बहुत सारी हैचबैक ऐसी भी देखी होंगी जिसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा होता है, मगर इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो फर्स्ट पॉजिटिव बात है इसकी। दूसरा भाई टोयोटा की गाड़ी है तो इसमें आपको सर्विस की इशू वाली बात आएगी नहीं कहीं से कहीं तक भी। प्लस अगर आप इसको कंपेयर कर रहे होते हैं तो बलेनो से ना, तो भाई इसके अंदर आपको वारंटी ना 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिलती है, वहीं पे बलेनो के अंदर आपको 2 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। प्लस ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको बलेनो से थोड़ा एक क्लास ऊपर बना देती है, और प्राइसिंग इतनी कम होने की वजह से ना भाई इसकी डिमांड जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। लुक्स भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, जल्दी ही मिलूंगा किसी नई गाड़ी या नई बाइक की इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।